अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे जमात ये शुरू कर दूँ अल्लाह के नाम से। अभी मेरे साथ मेरे बड़े मोजेस दोस्त खड़े हुए हैं, वो अभी सामने आना नहीं चाह रहे थे। मैं भाई से पूछता हूँ, भाई आप अपने बच्चे का जो दूध का डब्बा लेके आते थे इस बजट से पहले कितने का लाते थे? 820। और अब कितने का आ रहे हैं? 1000 से ऊपर का। ये 200 रुपये का फ़र्क आपके लिए मायने रखता है या नहीं? जाहिर बात है। बिजली का बिल पहले कितना आ रहा था? पहले किसी ज़माने में तो हम लोग 20-25 आ रहा था ओवरऑल पूरे घर का अगर देखा जाए। अब कितना आ रहा है? अब जो है वो 60 से 70। ये 60 से 70 आप अफोर्ड कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे? बहुत मुश्किलों से, मगर करना पड़ता है, मजबूरी है। करना पड़ता है, मजबूरी है। मुझे ये बताओ कि कराची के लोग जो टैक्स वगैरह दे रहे हैं, आपको सड़कें या सेहत, अगर आप बीमार होते हो हुकूमत आपका इलाज करवाती है? कुछ भी नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं है। बच्चे आपके जो सरकारी स्कूल्स वगैरह हैं इस काबिल हैं कि आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेज सकें? सोच ही नहीं सकते। पाकिस्तान में सबसे टैक्स कौन सा शहर देता है? कराची। कराची वालों के साथ जो हालत की जा रही है, आप मुझे बताएं कि कराची लगता है कि पाकिस्तान का हिस्सा है या पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? बिल्कुल भी नहीं लगता सर, ये तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि मतलब बस उसको रोकना है, पूरा पूरा निकालना है, उसे निचोड़ लेना है। कराची वाले पाकिस्तान से इतना ही मोहब्बत करने वाले लोग हैं? ये वो लोग हैं जो जब सैलाब आता है, जब पाकिस्तान पे कोई मुसीबत होती है, सबसे पहले कराची, क्योंकि कराची दिल है पाकिस्तान का, सबसे ज़्यादा इमदाद यहीं से जाती है। आप अंदाज़ा करना भाई, रमज़ानों में ज़कात भी मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा यहीं से आती है। भाई मुझे ये बताएं कि अगर यही सूरत हाल रहेगी, अभी मेरे एक दोस्त हैं जिनकी हार्डली उम्र 40 से 42 साल थी, उस बंदे का इंतकाल डिप्रेशन के मारे हो। बिल्कुल ऐसे ही काफ़ी, मतलब हमारे पुलिस में से भी हुआ है ऐसे लोगों का जो बेचारे सफ़र कर रहे थे, तो बाकायदा हार्ट अटैक्स हो गए, कुछ किसी को कोई मसला हो गया, कोई बीमार पड़ गया। अगर कोई अरबाब इख्तियार देख रहा है, लोग सरवाइव नहीं कर पा रहे, खुदा के लिए इसका कोई मदावा करें नहीं इससे पहले कि ये लावा उबल पड़े। हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि मज़ीद यहाँ पे ऐसी बदमनी हो जितनी बदमनी हो। अच्छा एक चीज़ बताएं, कराची में जो बदमनी हो रही है, सारे जो इंडस्ट्रीज हैं वो उठा के कहाँ छोड़ दी जा रही है? कराची से इंडस्ट्रीज बंद होती हैं, किस जगह पर शिफ्ट हो जाती हैं? मैं सुना ज़्यादातर बाहर जा रही हैं, बांग्लादेश में भी बहुत सी शिफ्ट हो रही हैं। तो आपके मुल्क की तो इकोनॉमी की तो ऐसी हो, जारी बात है, क्योंकि वहाँ सस्ता पड़ रहा है उनको, नहीं तो पैसा लोग लेके बाहर निकल रहे हैं, ज़्यादातर दुबई में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कहीं और जगह पे जिसके पास है मौका वो तो बाहर ही निकल रहा है, प्रेफर यही कर बाहर निकल रहे। तो पाकिस्तान से ब्रेन डेड हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, ये भाई हम एक इंटरव्यू ले रहे हैं, आए हैं आप बैठे सर, बैठे इधर आ जाए। सर मुझे ये बताएं कि अभी जो हालात चल रहे हैं उस पर बिजली के बिल पे बात हो रही है कि बिजली के बिल जो आ रहे हैं वो सही आ रहे हैं, जस्टिफाइड हैं या नहीं? नहीं है ना। क्या आम आदमी अपने जिसकी तनख्वाह 20 से 25 हज़ार है वो 45 हज़ार रुपये बिजली का बिल अफोर्ड कर सकता है? मेरे पास एक एग्जांपल आई है, उस बंदे का जनवरी में बिल 4,500 था, पिछले महीने का उसका 58,000। मुझे बताएं वो सर्वाइव कर पाएगा? वो अपने बच्चों का खाना पीना ग्रॉसरी वगैरह कर सकेगा? वो ज़िंदा किस तरीके से है? नामुमकिन है। तो इसके लिए आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? ये पैगाम देना चाहेंगे कि जैसे अभी इंडिया के अंदर केजरीवाल है जी, तो दिल्ली में भी और पंजाब गवर्नमेंट में भी उन्होंने तकरीबन 80% लोगों की बिजनेस नहीं करी, ठीक है, 400 फ्री कर दी। पहले हमारे पास ऐसे तरीक़ाकार हैं कि जिससे हम वो फंड यानी कि बना लेते हैं, वो शायद पाकिस्तान में भी कोई वेलफेयर का यानी जो होना चाहिए। तो ये गवर्नमेंट को ही करना चाहिए या लोगों को करना चाहिए? ये मतलब मैंने एक जगह पढ़ा है कि वो जो सिंगापुर है, हाँ, ये पता नहीं कितनी आबादी, 6 करोड़ की आबादी से, और वहाँ पर कोई तकरीबन 70 कंपनियाँ हैं जो बिजली दे, कराची की आबादी यानी सिंगापुर की आबादी यानी कम है, पता 60 लाख है, 60 लाख है वहाँ पे, तकरीबन 60 से 70 कंपनियाँ बिजली। तो यहाँ पे खाली एक कंपनी क्यों? और वहाँ कराची की आबादी तकरीबन कहते हैं कि डेढ़ कितनी हुई है, 3 करोड़ 1.5 करोड़ है, अनऑफिशियली तो जो असली है वो 3 से 4 करोड़ की। तो यहाँ पे एक कंपनी को दिया हुआ है, क्यों है? पॉलिटिकल एजेंडा। वो कल वो मुशर्रफ पे क्लिप भी आपने शायद देखा होगा, उसने कहा था बिजली कैसे महंगी होती है, उसने कहा कि ये जो कंपनियाँ होती हैं जो बिजली देती हैं, ये उनको पता नहीं क्या कहते हैं, इंग्लिश में इनका नाम IPPs, हाँ, कहते हैं अगर वो अरे 6 सेंट में सौदा हुआ, कहते हैं अगर 1 सेंट वो बढ़ा देती हैं तो उसके बदले वो कह रहे थे कि हमारी जो 0 केसी है वो 2 से 2.5 अरब रुपये ले लेती है। ब्यूरोक्रेसी, हाँ, 1 सेंट भरा नहीं गया, मेरा 1 सेंट भर गया
उनको पता नहीं कितने अरब रुपए का एक सेंट भरने से फ़ायदा हो जाता है। तो ये जो पीछे जितनी ये कारगुजारी हो देखा होगा कल फेसबुक पे मुशर्रफ नहीं पा रहा। हाँ ये तो पुराना ठीक नहीं, तो इसका मतलब यही है कि ये जो है खाली आवाम करप्शन है, करप्शन तो जो कर रहे हैं उनके साथ क्या करना चाहिए। अब ये तो आवाम भी मुलता हो चुकी है, पता नहीं क्या करे आवाम। आप देखें कोई कराची में जो स्ट्राइक हो कुछ, अभी पहली तारीख को स्ट्राइक थी, कोई पता नहीं चल रहा था। आवाम को अंदर से मारती है, मगर ये आवाम आप देख सकते हैं ये हाल हुआ हुआ है लोगों का। लोग अंदर से मुर्दा, अंदर से एहतजाज के काबिल भी नहीं रहे। खुदा के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करें, क्योंकि ये ईमान के तकाज़ों में से है। ईमान का जो सबसे हल्का तक दिल में बुरा करो कहो, उससे है ज़बान से बुरा करो। तो भाई कम से कम अपने अंदर इतनी ज़रूरत तो रखो कि कुछ कहने की तो हिम्मत रखो। दिस जमात ज़िया जाते वक्त बाज़ रुकते पाकिस्तान जिंदाबाद।